वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट सब्लिमेशन की एक और नई वीडियो। तो गाइस आज ही जो वीडियो है हमारी वो है एक विनाइल और फ्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। दोनों ही ट्रांसफर मीडिया हैं, जनरली क्लाइंट्स के मन में सवाल उठता है, हमारे बिजनेस पार्टनर्स जो उनके मन में सवाल उठता है कि जो फ्लॉक है और विनाइल है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली उस चीज को लेकर के आज हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं कि विनाइल में और फ्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं विनाइल जो है और फ्लॉक दोनों में क्या डिफरेंस है। विनाइल हमारा जो रहता है बहुत ही पतला रहता है। मेन अगर मैं आपको दिखाऊं विनाइल और फ्लॉक, मेरे पास में मैंने कटआउट्स कुछ यहाँ रखे हुए हैं, आपको थोड़ा सा पास करके मैं आपको दिखाऊं। ये हम लोगों ने विनाइल के अंदर कटिंग किया हुआ है और ये हमने किया हुआ है इसके अंदर फ्लॉक के अंदर। ट्रांसफर का भी प्रोसेस मैं बताऊंगा, बेसिकली ट्रांसफर में आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। ये आपको जो देगा प्लास्टिक फील देगा, अगर हम विनाइल को अगर हम ट्रांसफर करते हैं टी शर्ट के ऊपर, ये थोड़ा सा हमें प्लास्टिक फील देगा, और ये जो फ्लॉक होता है ये स्मूथ फील देगा, एक प्रीमियम लुक देगा, मतलब एक फैब्रिक का टेक्सचर कह सकते हैं उस तरह का फील देगा। तो ट्रांसफर करके मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको ट्रांसफर करना है। तो जो मैंने डिजाइन है, ये डिजाइन मैंने अपना पोर्ट्रेट के अंदर काटा है, जो मैं आपको दिखा दूं ये डिजाइन था एग्जैक्टली, ये मैंने इसी के अंदर ये कटिंग करा है पोर्ट्रेट के अंदर ही, ये मैंने इसे अपना लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो डिजाइन था ये मैंने कटिंग करा है इसके अंदर, ये वाला जो डिजाइन है ये मैंने सेटिंग की कमांड दी है। पूरा प्लॉटर जो मैं आपको ऑलरेडी मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ ये आइटम एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैंने इसी के अंदर ये सारा डिजाइन हम लोगों ने कटिंग किया हुआ है। दो वर्जन आते हैं बेसिकली इसके अंदर प्लॉटर के अंदर, एक 8 इंच है एक 13 इंच है, मैंने फिलहाल 8 इंच की आपसे कटिंग करा है पूरा इसके अंदर। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। फिलहाल एक बार टेम्परेचर सेटिंग्स की अगर हम बात कर लें, क्या टेम्परेचर टाइमिंग इसे रखने, देखो ट्रांसफर प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं है, ट्रांसफर प्रोसेस बिल्कुल आपका सेम है, वही जैसा आप हमेशा से करते आ रहे हैं, टेम्परेचर भी आपका सेम है। बस टेम्परेचर में अगर आपको दोबारा से रीवेरीफाई करा देता हूँ क्या टेम्परेचर हम इसके अंदर रखते हैं, तो हम लोगों ने मिनिमम टेम्परेचर 350 रखा हुआ है, मैक्सिमम भी 350 रखा हुआ है, और टाइमिंग जो है हम विनाइल और फ्लॉक के लिए रखेंगे 5 सेकेंड्स। इसे कम करके हमने 5 सेकेंड्स कर दिया है, ये 5 सेकेंड्स हमने रख दिया। मोर का बटन फिर से हमने प्रेस कर दिया, इसका करंट टेम्परेचर 295 आ गया है। तो मैं आपको दोनों ही एक ही टी शर्ट के ऊपर ट्रांसफर करके बताऊंगा, जैसे ये लोगो है ये लोगो मैं आपको ट्रांसफर करके बताऊंगा आपका ब्लैक कलर की टी शर्ट के ऊपर फ्लॉक के अंदर क्या रिजल्ट आता है, और विनाइल अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो एक बार मशीन को जरा अपने टेम्परेचर पे पहुंचने देते हैं, फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जैसे भी 304 पहुंचाए भी ये जैसे 350 पहुंचेगा फिर मैं एक बार आपको दिखाता हूं। ये फिलहाल मैं जो फ्लॉक है फ्लॉक को कटिंग कर रहा हूँ अभी, और ये मैंने निकाल दिया है, इसी तरह हम ट्रांसफर करेंगे टी शर्ट के ऊपर, एक आइडिया आपको हो जाएगा एग्जैक्टली देखने में क्या डिफरेंस आता है। एक्चुअली फील तो आप नहीं कर पाएंगे बट मैं आपको बता दूंगा किस तरह का फील आ रहा है। और ये हम ये वाला लोगो भी कटिंग कर लेते हैं, मशीन भी हमारी लगभग लगभग पहुँच ही गई है, 343 हो गई है मशीन। ठीक है, तो मशीन भी अपना टेम्परेचर पे पहुंच गई है। तो मैं ट्रांसफर करने की अगर बात करूं, ट्रांसफर तो एक टेफ्लॉन शीट मैंने नीचे लगाई हुई है, ठीक है, और ये मैंने मशीन को मूव करा और ये हमने रखा टी शर्ट को, ठीक है। एक बार सिंपली नॉर्मली प्रेस कर लेंगे, जो रिंकल्स इसके ऊपर है वो सब निकल जाएंगे, टेफ्लॉन शीट हमने ऊपर की तरफ भी लगा लेनी है, ठीक है, ताकि टी शर्ट को डायरेक्ट हीट ना मिले। और ये हमने प्रेस करा 1-3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे सिर्फ आप इसे, बस जो टी शर्ट्स के ऊपर रिंकल्स वगैरह लगे हैं वो सब निकल जाए। तो ये लोगो हमारे पास में है, जब टेम्परेचर टाइमिंग हमें सेम ही देना है तो हम एक ही बार में इन दोनों लोगोस को ट्रांसफर करेंगे, और ये हमने लगाया इस तरीके से, ठीक है। जो टेफ्लॉन शीट थी हमारी वो ये रही, सीधा कर लेते हैं, और हमने ये रखा टेफ्लॉन शीट और मशीन को प्रेस किया और लास्ट वाला बटन लोगों ने दबा दिया, जो 5 सेकंड्स का काम डाउन है वो शुरू हो गया है। अब जैसे 5 सेकंड्स ओवर होंगी मशीन बीप करेगी जैसा कि हमेशा करती है, और हम आइटम को लास्ट वाला बटन प्रेस करा और आइटम को निकाल लेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफर हो गया, हल्का सा इसे ठंडा होने का टाइम देंगे, बहुत माइनर सा, बेसिकली दो चीजें होती हैं कोल्ड पील और हॉट पील। जो हमारे विनाइल हमारा जो मीडिया है वो सारा आपका कोल्ड पील है, हल्का सा आप इसे ठंडा होने देंगे फिर एक बार उसके बाद छुटाएंगे। तो ये छुटा लेते हैं हम इसे, अब ठंडा हो गया ये, ये हमारा ये विनाइल था जो हमने निकाला है अभी, और अभी हम फ्लॉक निकाल रहे हैं, फाइन।
अभी अगर मैं थोड़ा सा, अगर कैमरे में जज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये तो है हमारा प्लास्टिक फील। और अगर आप थोड़ा सा और मैं पास लेके जाता हूँ, आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे होंगे रेशे जो दिख रहे हैं आपको, ये आपको दिख रहे होंगे, ये आपका वेलवेट फील है बिल्कुल, ये वाला, ठीक है, प्रीमियम फील जिसे कहते हैं, ये आपका प्लास्टिक वाला फील। दोनों ही फ्लेवर्स लोगों को पसंद आते हैं, कोई कहता है कि हमें ये फ्लॉक के अंदर चाहिए, कोई कहता है विनाइल के अंदर चाहिए, तो बेसिकली ये है एग्जैक्टली जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्लॉक के अंदर है बिल्कुल प्रीमियम फील जो दे रहा है, और ये अपना प्लास्टिक वाला विनाइल के अंदर हो गया। मेरे पास में एक और लोगो है, मैं ये लोगो ट्रांसफर करता हूँ, ये मैंने येलो कलर की फ्लॉक के अंदर कटिंग करा हुआ है, बेसिकली गोल्डन येलो इसे बोलते हैं, तो इसे भी मैं पहले वो कटिंग कर लेता हूँ, कटिंग करने के बाद फिर एक बार आपको दिखाता हूँ, ट्रांसफर प्रोसेस बिल्कुल ही सेम है। तो ये टी शर्ट है मेरे पास में जिसके ऊपर मैं वो लोगो ट्रांसफर करने वाला हूँ, एग्जैक्टली ड्रैगन का लोगो है ये जो मैं ट्रांसफर करूंगा इसके ऊपर, फाइन। जो रिंकल्स आ रहे हैं, रिंकल्स वगैरह सब निकल जाएंगे, मैं एक बार नॉर्मली प्रेस कर लेता हूँ, टेफ्लॉन शीट जो ऊपर मशीन में ही रुक गई है हमारी, तो हमने प्रेस करा नॉर्मली 1-2-3 सेकेंड्स के लिए बस, और जो भी रिंकल्स वगैरह होंगे वो सब आपके निकल जाएंगे, ठीक है। ये लोगो है हमारा, और ये हमने लगाना है यहाँ पर, जैसे कि ठीक है, और जो टेफ्लॉन शीट थी हमने टेफ्लॉन शीट भी लगा ली, इसे सीधा कर लेते हैं लोगों को, और मशीन को प्रेस करा। आप इसमें हीट टेप का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो लोगो है वो हिले ना, तो मैंने नहीं कराया, आप लोग हीट टेप का यूज कर लें। अब 5 सेकेंड्स पूरी हो गई, मशीन ने बीप करा, लास्ट वाला बटन प्रेस करा, और हमने अपने जो आइटम को वो निकाल लिया। तो जैसा कि हर बार मैंने आपको बोला है कि आपको हल्का सा ठंडा होने का टाइम देना है, जो हवा इसके अंदर से पास हो जाए, और उसके बाद में हम इस मीडिया को पील ऑफ करेंगे। तो ये हो गया हमारा ठंडा, और हम इसे पील ऑफ कर लेते हैं, फाइन। नाउ दिस इज द टी शर्ट, फाइन। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, मैं थोड़ा सा आपको पास करके दिखाता हूँ एक बार, ये है पूरा इसका जो टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल प्रीमियम लुक का ये आ रहा है, वो फैब्रिक जैसा है, जैसे नीचे फैब्रिक है ब्लैक कलर का, वैसा ही बिल्कुल सेम फैब्रिक के अंदर बिल्कुल मर्ज हो गया, बिल्कुल लग रहा है कि प्रीमियम फील बिल्कुल ये दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी कुछ विनाइल से मैंने टी शर्ट प्रिंट की हुई है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक तो यही टी शर्ट है जिसके ऊपर मैंने आपका एवेंजर्स ये लोगो प्रिंट करा, और साथ ही में ये ऊपर विनाइल की प्रिंटिंग है सारी, ये अपना विनाइल और फ्लॉक का जो भी हमने टेस्टिंग करी है वो है, और बाकी थोड़ा सा इधर आपको अगर मैं कैमरा को मूव करूँ, और ये है हमने कलर चार्ट एक बनाया हुआ है इस तरीके से, और एक हमने एक महाकाल वाला डिज़ाइन प्रिंट किया हुआ है, ये सब विनाइल से किया हुआ है हम लोगों ने। तो गाइस बेसिकली इस वीडियो के अंदर यही था कि मैं आपको बता पाऊँ विनाइल और फ्लॉक के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है, बाकी जो एग्जिट कॉस्टिंग वगैरह वो सब आप व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करके आपको पूरा डिटेल्स वगैरह सब मिल जाएगा। भाई कटिंग का मैंने बता दिया, कटिंग मैंने कहीं से नहीं करा है, सिर्फ अपना प्लॉटर है जो पोर्ट्रेट 2 है, मैंने उसके अंदर कटिंग करा है। दो वर्जन में हमारे पास में प्लॉटर ये होता है, एक 8 इंचज में और एक 13 इंचज में, दोनों ही साइज में हम लोगों के पास में होता है। मैंने फिलहाल अभी पोर्ट्रेट 2 के अंदर ये कटिंग करा है सारा, जितना मैंने आपको ये जितना मैंने कटिंग कर रखा है सारा मैंने इसी के अंदर करा है। और ये कुछ रोल्स होते हैं जो विनाइल के और फ्लॉक के रोल होंगे, वो कुछ इस तरीके से आते हैं, ये मैंने यहाँ रखे हैं ताकि एक हल्का सा आइडिया आपको हो जाए किस तरह के होते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर जितना था, वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इन चैनल की जो हमारे प्रोडक्ट्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।